यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से 30 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से हुई। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के लिए बने 100 बेड के आईसीयू सहित दूसरे आईसीयू और वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से मासूमों ने दम तोड़ दिया। आज सुबह जानकारी में आया कि वहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्था कल रात में वहाँ पर, इसके बारे में तत्कालीन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी, और उसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। खबरों के मुताबिक करीब 69 लाख रुपए का भुगतान न होने की वजह से संबंधित फर्म ने अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई ठप कर दी। लिक्विड ऑक्सीजन गुरुवार से ही बंद थी और उसके बाद सारे सिलेंडर भी खत्म हो गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 साल पहले लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया था। इसके जरिए इंसेफ्लाइटिस वार्ड सहित करीब 300 मरीजों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से इतने मरीजों की मौत का होना इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही से न सिर्फ कई परिवार उजड़ गए बल्कि इस घटना ने एक बार फिर उस लचर और सड़ चुके सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है जो न जाने कितनी जिंदगियां छीन लेने के बाद भी अब तक नींद से नहीं जागी है। जगदम्बा त्रिपाठी, APN गोरखपुर।